अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला होम पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मेटिंग इंजरीज के बारे में बात करेंगे। मेटिंग इंजरीज बेसिकली होता क्या है, अगर मैं आपको दिखाऊंगी, ये मुर्गी है और इसका ये देखें, ये अगर आपको कैमरे में नज़र आ रहा हो, मैं सही तरह दिखाता हूँ। तो मेटिंग इंजरीज की मैं तस्वीर भी लगा दूंगा और ये देखें, ये आप देख रहे हैं इसके ज़ख्म हुआ हुआ है। ये ज़ख्म किस लिए होता है, ये जब मुर्गा क्रॉस करता है उसके कंडे जो होते हैं जिसको हम स्पर्स भी कहते हैं और कील भी कहते हैं, तो वो जब बड़े हो जाते हैं वो नकीले हो जाते हैं जिसकी वजह से मुर्गियों को ज़ख्म आ जाता है। ये देखें, इसके स्टिचेस लगे हुए हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें ये स्टिचेस लगे हुए हैं, ये यहाँ से यहाँ तक इसका पूरा क्या कहते हैं कट गया था, एक तरह की स्किन खुल गई थी जिसकी वजह से इसको स्टिचेस लगे हैं। तो ये होती है मेटिंग इंजरीज। तो ये वो मुर्गी है जिसकी मेटिंग इंजरीज हुई है, यानी इसको जब हमने मुर्गे के साथ छोड़ा तो मुर्गे के जो कील होते हैं, मैं मेटिंग इंजरीज की एक तस्वीर भी लगा दूंगा और मुर्गे के स्पर्स की यानी कील की भी एक तस्वीर लगा दूंगा। फिलहाल हमने उसके स्पर्स काट दिए हैं। तो अगर आप मुर्गी देखें तो मुर्गी तो ठीक ठाक है, लेकिन क्या होगा जब मेटिंग इंजरीज होती है तो हमें फ़ौरन पता नहीं चलता, जब हम देखें तो हमें फ़ौरन नहीं पता चलता कि मुर्गी को मेटिंग इंजरीज हुई है, तो हमें उसको चेक करना पड़ता है, यानी वो उसके ब्लड निकल रहा होता है या ऐसे कोई निशानियां वो जाहिर करती है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि उसके मेटिंग इंजरीज हुई है। तो अगर आपके भी किसी मुर्गी को मेटिंग इंजरीज होगी तो हमने पहले क्या करना है, पहले तो आपने पायोडीन लगानी है, उसके सेपरेट आप ले लें, सेपरेट से साफ करें फिर पायोडीन लगाएं। पायोडीन लगाने से क्या होगा, जो जरासीम होंगे वो मर जाएंगे, फिर आपने फौरी किसी वेटनरी डॉक्टर के पास जाना है, स्टिचेस लगवाने हैं। स्टिचेस लगवाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्टिचेस से ही आराम आना है। फिर आपने दो दिन तक पायोडीन लगानी है अच्छी तरह पूरे ज़ख्म पर। फिर आपने क्या करना है, दो दिन बाद आपने कैनाडक्स यूज़ करनी है। कैनाडक्स ये क्रीम है, किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगी। तो ये क्रीम आपने यूज़ करनी है कैनाडक्स एन के नाम से। तो इस क्रीम के साथ साथ आपने दिन में तीन टाइम या दो टाइम आपने लाजमी ये लगानी है। और ये कैल्वेट डी सिरप होता है, वेटनरी स्टोर से आपको मिल जाएगा, ये कैल्वेट डी होता है। या आप क्या कहते हैं मुख्तलिफ इकसाम के पेट्स के लिए भी दे सकते हैं, भेड़ बकरियों के लिए भी दे सकते हैं और मुर्गियों के लिए भी है। ये आपकी जानवर की हड्डियों को मजबूत रखता है, उनकी जो कैल्शियम की कमी उसको पूरा करता है, और जो कि मुख्तलिफ तरीके के ज़ख्म होते हैं उनको बनने में भी कारामद है। तो ये कैल्वेट डी है, इसका मैं आपको डब्बा भी दिखा देता हूँ। ये देखें ये ऐसा इसका डब्बा है, कैल्वेट डी सिरप। ये आपको वेटनरी स्टोर से ही मिलेगा, या जिस वेटनरी डॉक्टर के पास जाएं वहाँ से आप क्या कहते हैं परचेज़ कर सकते हैं। अगर तो आप